नशा जो धर्म का चढ़ाता है ना, आप हिंदू हैं तो नशा नहीं, ये एक तरह का ही धंधा है। इलेक्शन के समय सब हो जाओगे और जैसे इलेक्शन खत्म हुआ निकाल डंडा, भाई कौन है कुशवाहा है, कौन है जाट है। देखे ना महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, इलेक्शन के समय हिंदू धर्म की रक्षा करने जा रहे थे। तो यहाँ राम मंदिर बना था, ट्रस्ट में आप लोग गए, घंटा बजाने का मौका मिला कि नहीं मिला? दुनिया के तमाम तानाशाहों को, तमाम रूलिंग एलिट्स को सबसे ज़्यादा जो खतरा और भय होता है वो सिर्फ एक चीज़ से होता है, वो होता है शिक्षा से होता है। क्योंकि शिक्षा तो सिर्फ डिग्री नहीं देता, वो आपका दिमाग भी खुलता है। और जब दिमाग खुलेगा तो आप नए सवाल भी पैदा करोगे, नए सवाल पैदा करोगे, और तानाशाह इन सवालों से डरता है। हमारे कॉलेज के गेट पर बिहार के ही सिक्योरिटी स्टाफ अमित भाई जानते हैं, 12,000 15,000 रुपये, वो भी कोई खाली दलित नहीं है, सब उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें भूमिहार भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं। लाइए हम बोल देते हैं और जाके मेरे बारे में पूछेगा, बताएगा कि आखिर हम किनकी लड़ाई लड़ते हैं। उनसे हम सवाल पूछे कि अगर यही नौकरी सरकारी होती तो कितने सैलरी मिलते, 40,000 50,000 60,000, और अब ये प्राइवेट है तो कितने मिल रहे हैं, 15,000। 12 घंटा नौकरी करो, 8 घंटे का पैसा मिलेगा। मतलब मत देखो, मजा आ गया, मोदी जी ने तो एकदम सबका साथ सबका विकास कर दिया बढ़िया से तबीयत से। सासाराम में बाबू जगजीवन राम विश्वविद्यालय बने, नेता लोग अभी आएंगे वोट मांगने तो एजेंडा जरूर सेट कर दीजिएगा, अपने लिए नहीं कि हमको ठेका दे दीजिए और जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करा दीजिए। सामूहिक डिमांड कीजिएगा, उसमें सब सुरक्षित है। पर्सनल डिमांड जैसी की वैसे समझिए बार्गेनिंग शुरू हो गया। देखिए संविधान, आप अगर समझ रहे हो कि एक दिन घोषणा होगा कि संविधान आज से खत्म कर दिया जा रहा है और आज से आज ये संविधान लागू हो रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि उसके अंदर की आत्मा है, वो निकाल दो। अब इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कैसे काम कर रहा है देख लीजिए। जब तक हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठाना ये काफी नहीं। अगर आज जो सिस्टम है कि आपको लग रहा है देश और लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है, तो इसके लिए उन्होंने 90 साल तैयारी की है भाई साहब, 90 साल तैयारी की है। और जमीन में कितने जनरेशन उनको मिले हैं, कितने जनरेशन, तब जाके वो इंडियन रिपब्लिक पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। वकील लोगों ने जब कोर्ट उतार के राजनीति की तो देश को आज़ाद करा दिया। सारे आज़ादी कराने वाले वकील ज़्यादातर वकील ही थे, अंबेडकर भी थे, गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू, सब तमाम उठा के देखिए। मैं प्रोफेसर्स को ज़्यादा ये बात कहता हूँ कि जब आप प्रोफेसर क्यों बने? मैं बना, मैंने कभी IAS का एग्ज़ाम नहीं दिया, इसलिए बना कि मुझे सवाल करने का शौक बचपन से रहा, नए सवाल खड़े करना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो मैं अपने क्लिक से कहता हूं कि अगर प्रोफेसर बन के रिटायर के भात खा के रिटायर ही बन गए करके मर गए तो तुम्हारे प्रोफेसर होने का कोई मतलब नहीं, ना लिखे ना पढ़े ना बोले, कुछ नहीं किए। ओवरनाइट इधर से उधर सेकुलर कम्युनल ओवरनाइट चलता रहता है। आप सोचिए कि उसमें आप कहाँ हैं, आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप भी अगर जाति के, घर पे, परिवार पे, रिश्तेदार के नाम पर वोट करेंगे तो इस विषय पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो कुछ लोग समरसता की बात करते हैं, तो समरस में तो फिर अलग अलग स्टेटस में रहेगा ना आदमी। एकता हो सकती है, लेकिन एकता में असमानता भी हो सकती है। गरीब अमीर में एकता हो सकती है, लेकिन गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। तो जो समता स्थल था, जो बाबू जगजीवन राम का पूरा जीवन का संघर्ष, उस गाथा को व्यक्त करता है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, एकता स्थल। अब इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इसके मायने समझिए। डेमोक्रेसी पहले क्या है ये समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी ये नहीं है कि हम सब एक ही विचार मानते हैं और एक साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी ये भी ये है कि हम सब अलग अलग विचार मानते हैं तब भी हम लोग एक साथ रहते हैं, ये है डेमोक्रेसी। शेर शाह सूरी की इस क्रांतिकारी धरती, बाबू जगजीवन राम की इस क्रांतिकारी धरती को जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल। दोस्तों, सासाराम आने का न्योता कई बार मिला। कई साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि आपको आना है, लेकिन किसी कारणवश वो प्रोग्राम नहीं सफल हो पाया। गया में इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, गया में था इनके गांव में, और भभुआ में एक बार गया हूँ, लेकिन सासाराम में पहली बार बोल रहा हूँ। इसलिए आप सभी का शुक्रिया, और चिराग फाउंडेशन का विशेष रूप से शुक्रिया, चमड़िया फैमिली का विशेष रूप से शुक्रिया कि ऐसे जहां राजनीतिक सरगर्मी तेज हो, वहां पर इस तरह के गंभीर विषयों पर चर्चा करना। और ये विचार गोष्ठी है, सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, एकेडमिशियन हैं, तमाम तरह के लोग हैं। तो ये राजनीतिक सभा नहीं है कि जहाँ जोर जोर से भाषण दिया जाए, यहाँ पर विचार विमर्श की बात है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे आधा घंटा दिया जाएगा, भूख भी लगेगा आप लोगों को। तो मैं कोई नई बात आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूँ। जो बात आप अभी देख रहे हैं इस देश में, इसकी संभावना संविधान सभा में ही व्यक्त कर दी गई थी। अगर संविधान सभा के सदस्यों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उस समय के लोगों को उठाकर देखें और उस समय की बहस देखें, अद्भुत है। और आज के संसद से तुलना कर ले, आज पता नहीं 100 सांसद सस्पेंड कर दिए जाते हैं, माइक किसी का बंद कर दिया जाता है, क्या है तमाम। तो उस समय डिफरेंस के साथ डेमोक्रेसी पहले क्या है ये समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी ये नहीं है कि हम सब एक ही विचार मानते हैं और एक साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी ये भी ये है कि हम सब अलग अलग विचार मानते हैं तब भी हम लोग एक साथ रहते हैं, ये है डेमोक्रेसी। बहुत सारे जो आज चल रहा है उसकी संभावना, इसलिए मैं जब जहाँ जाता हूँ विचार गोष्ठियों में, मैं कागज़ लेके जाता हूँ कि कहीं किसी की भावना अगर आहत हो तो मैं पेज नंबर दिखा देता हूँ। ये पेज नंबर दिखा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की किताब है, वही कह रहा हूं कि ये है डेमोक्रेसी। भारत डाइवर्सिटी का देश है। कल बाबू जगजीवन राम की जयंती थी, मैं वहां पर था, जिसका नाम समता स्थल है, और वहीं से मैं शुरू करता हूं जिसे आप बात समझ लेंगे कि समता स्थल पर था और 6 कृष्ण मेनन मार्ग पर भी था। मैंने देखा कि जिसको हम समता स्थल जानते थे, समता स्थल कहते हैं, उसका नाम बदल दिया गया है और किसी को हवा तक नहीं। आप अभी गूगल करके देखिए, उसका नाम एकता स्थल हो गया है। जैसे जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो कुछ लोग समरसता की बात करते हैं, तो समरस में तो फिर अलग अलग स्टेटस में रहेगा ना आदमी। एकता हो सकती है, लेकिन एकता में असमानता भी हो सकती है। गरीब अमीर में एकता हो सकती है, लेकिन गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। तो जो समता स्थल था, जो बाबू जगजीवन राम का पूरा जीवन का संघर्ष, उस गाथा को व्यक्त करता है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? एकता स्थल। अब इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इसके मायने समझिए, और हमको हवा तक नहीं। कुछ लोग मिले वहां पर, मैंने ऑब्जेक्शन इसमें रेज किया कि हम लोग को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि बाबू जगजीवन राम का पूरा जो स्ट्रगल है या कंट्रीब्यूशन है पूरा मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में, मैं सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, पूरे मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में जितना कंट्रीब्यूशन जवाहरलाल नेहरू का है, जितना कंट्रीब्यूशन इंदिरा गांधी का है, उतना ही कंट्रीब्यूशन जवाहरलाल नेहरू का है। बाबा साहब ने एक फ्रेमवर्क तैयार करके दिया था, उसमें अस्थि पंजर तैयार करके दिया था, उसमें रक्त और मांस भरने का काम इन लोगों ने किया। इस बात को गंभीरता से सोचा जाए कि जो पैंट शर्ट हम लोग पहले ना, अगर सरकारी संस्थाएं नहीं होती, नौकरियां नहीं होती, तो किसी जात में ये मिडिल क्लास तैयार नहीं होता जिसको स्कूल कॉलेज पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर सरकारी नौकरी आपको मिला। आज क्या हो रहा है? आज वो मिडिल क्लास है ना, बहुरंगी मिडिल क्लास जो तैयार हुआ है वो कुछ लोगों के नज़र में खटक रहा है कि अच्छा कपड़ा पहन के आया है, अंग्रेजी बोलता है, सवाल जवाब करता है, तो ये मिडिल क्लास बना कहाँ से? ये मिडिल क्लास बना सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से, आईआईटी से, मेडिकल कॉलेज से, यहाँ से बना। तो बोला अच्छा वहाँ से बना है, और यही लोग जो है आंदोलनों को चंदा भी दे रहा है, यही लोग चंदा दे रहा है ना। और पैसा कहाँ था? खास तौर से मैं दलित कम्युनिटी की बात करूंगा, ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूंगा, एबीसी ओबीसी बात करूंगा। इनके पास संसाधन कहाँ से? नहीं थे। दलित के पास होता ही नहीं, रहने के लिए जमीन नहीं थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से वो बना, और वो मिडिल क्लास में से कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो इससे किसी के माथे में मरोड़ हो रहा है, इसलिए आपकी जड़ ही काट रहा है। इसलिए वो सारी सार्वजनिक संस्थाएं जो आज़ादी के 40-45 वर्षों में डेवलप की, 50 वर्षों में डेवलप की गई, वो सारी सार्वजनिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आईआईटी सबको खत्म, इतने महंगे कर दिए जाएंगे कि आप कभी वो जा ही नहीं पाएंगे, सवाल नहीं उठे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 दिन पहले हमारे एक मित्र हैं, एक यादव जी हमारे दोस्त हैं, उनका कोई जानकार यादव जी थे। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का आईआईएम में एडमिशन हो गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लोन में भी सरकार हमको उतना लोन, बैंक उतना लोन नहीं दे पाए। उसका फीस सुनेंगे कितना था? 39 लाख रुपए फीस है। आपका एडमिशन हो भी जाएगा, बच्चा पास भी कर जाएगा, तो 39 लाख ढेउआ जेब में है, कैसे पढ़ाइएगा? ये सवाल को लेकर हम लोग लगातार, अगर जो साथी सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे होंगे, इस सवाल को लेकर लगातार हम लोग बोलते रहे, लिखते रहे, लड़ते रहे, चाहे इसका परिणाम जो भी हो, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। कि मैं देख रहा हूं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, और मेरे सामने बच्चे आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अंबेडकरनामा ने 3 बच्चों को स्पॉन्सर भी किया पढ़ाई। एक बैकवर्ड क्लास का बच्चा था, उसको लंदन में पढ़ाने के लिए 25 लाख दिया अंबेडकरनामा ने। एक दलित बच्चा है, उसको जर्मनी के लिए फंड रेज किया 16 लाख। एक बच्ची पढ़ रही है कलकत्ता में, 5.5 लाख। लेकिन एज इंडिविजुअल मैं कितना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। साल में एक बच्चा मान लिया हम ले सकते हैं कि गरीब है, इसको नहीं है तो मैं कर दूं, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है। आपके बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये चुनौती यहां से देखिए, और समाधान जो है, समाधान मैं नहीं दूंगा, समाधान तलाशना है आपको। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने एक शपथ दिलवाई थी कि आरएसएस सपोर्टेड बीजेपी से अपना पिता भी खड़ा हो ना, बाप और भाई, तब भी मैं उसको वोट नहीं दूंगा, उसके खिलाफ अपना खर्चा करके प्रचार करूंगा। ये स्पष्टता अगर नहीं होगी, इसलिए हम लोग को अपने तरफ भी देखना है कि हमने जो किया क्या वो ठीक था। आज आपके जात का, आपके घर का चला जाता है। यहां तो पलटा पलटी का खेल बिहार में बहुत तेज होता है ना, नहीं? कभी इधर कभी उधर। ये वैचारिक धरती, बुद्ध की धरती, ऐसे ऐसे लोग यहां पैदा हुए, और ओवरनाइट इधर से उधर सेकुलर कम्युनल ओवरनाइट चलता रहता है। आप सोचिए कि उसमें आप कहां हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप भी अगर जाति के, घर पे, परिवार पे, रिश्तेदार के नाम पर वोट करेंगे तो इस विषय पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। वैचारिक स्पष्टता बेहद जरूरी है, जिसका इशारा वकील साहब ने अभी किया, चमरिया साहब ने किया। तो किससे खतरा है? सवाल तो ये है ना कि अगर चुनौतियां हैं तो किससे चुनौती है? भारत में लोकतंत्र, चुनौतियां और समाधान। हम चुनौती पे बोलेंगे, समस्या बता देंगे, समाधान आप ढूंढ लेंगे। सीधा सीधा कहिए ना कि भारत में जो ये चुनौती है, जो खतरा है संविधान पर और देश पर, सबसे पहले नेशन, राष्ट्र, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, देन डेमोक्रेसी। तो खतरा जो है किसे, सीधा और सीधा आरएसएस बीजेपी से खतरा, और किससे खतरा है, ये कहने में क्यों आप नहीं सकते। ये तो आर पार की लड़ाई है। अगर आरएसएस का एक आदमी मुझे बता दे कि उसके ऑफिस में तिरंगा झंडा कब लगा है, जब संविधान लागू हुआ था क्या उन्होंने वेलकम किया था? क्या संविधान को माना था? बंच ऑफ थॉट में क्या है? और आप लोग को, हम लोग को अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो हम उस कुल्हाड़ी की तरह हैं कि कुल्हाड़ी से जंगल कट रहा था, लेकिन ये खुश था कि उसमें लगा हुआ डंडा हमारा ही तो है। अरे मेरे जात का ही, मेरा घर का ही कोई ऐसा प्रधान, अभी तो है पिछड़ा प्रधानमंत्री, बहुत पिछड़ा, लोगों को बहुत खुशी हो रही थी, अरे ओबीसी प्रधानमंत्री ओबीसी, तो लग रहा है डंडे, खुश रहो कि वो बेट हमारा ही है, डंडे लग रहे हैं। एक कमीशन बता दे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, एक कमीशन ओबीसी के लिए ही, मोदी जाति के लिए ही, अडानी साहब को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं उसमें, मैं वैसे लोगों को इंक्लूड कर रहा हूं जो कमजोर तबके के लिए, एक कमीशन बनाया हो। चुनौती दे रहा हूं। तो ये स्पष्टता, अगर देखिए चुनाव तो आते जाते रहता है, चुनाव तो हर 5 साल में आते रहता है, लेकिन राजनीति और वैचारिक विमर्श, वैचारिक राजनीति तो रोज होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अमुक दल, अमुक पार्टी आपके हितों की, आपके बच्चों के हितों की, आपके समाज के हितों की हत्या कर रहा है या हत्या करने वालों में शामिल है, तो सबसे पहले उसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। ये जगदेव बाबू की धरती है, बगल में ही रहना यहां पर। तब एक कोई मुरेठा बांध लेता है, कहता है कि सारा कुशवा हम ही को वोट देगा, अब क्या कीजिएगा अब मुरेठा किसके, कौन से खंड में जाके बांटा हुआ है? एक कुशवाहा कमीशन ही बना लेते भाई, क्या कोई मना किया है? तो घर घर जाके ये बात हमें समझानी है। वो व्यक्तिगत मुक्ति के लिए वो आदमी लड़ रहा है, कोई भी ऐसे लोग। हमारे लिए व्यक्तिगत मुक्ति जरूरी नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए सामुदायिक, सामूहिक मुक्ति जरूरी है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि सार्वजनिक संस्थाएं, मैं देख रहा था, लाइब्रेरी है, मैं ध्यान से देख रहा था और सब कुछ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऊपर नीचे सब देख रहा हूं। तो व्यक्तिगत मुक्ति वाला आपको चाहिए कि सामुदायिक, ये तो तय करना पड़े, समाज तय करेगा। मैं किसी जात की बात नहीं करता, मैं जमात की बात करता हूं। अब चलिए थोड़ा सा लिए चलता हूं नवंबर 1949, जब संविधान सभा में 2-3 भाषण में ढूंढ के लाया कि मैं चल रहा हूं कि बुद्धिजीवी लोगों के बीच बोलना है, तो खाली नारेबाजी करने से कुछ बात तो बनेगी नहीं, थोड़ा रेफरेंस देना पड़ेगा। तो संविधान सभा में जो बात बहस हुई थी, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, और अंबेडकरनामा अगर देख रहे होंगे तो उसमें ये बात सब, मैंने बहुत बार ये बात कही है। लंबे भाषण है, डॉक्टर अंबेडकर के एक घंटा तकरीबन उन्होंने भाषण दिया था। उससे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करता हूं मैं, और उसके बाद एक इसी तरह की लाइब्रेरी में, लॉ लाइब्रेरी, पुणे की लाइब्रेरी में 1952 में एक शानदार भाषण है कि लोकतंत्र की सफलता के सुनिश्चित शर्तें क्या होनी चाहिए। और वॉइस ऑफ अमेरिका में उन्होंने, वॉइस ऑफ अमेरिका में, अमेरिका का एक ये चैनल था रेडियो, वॉइस ऑफ अमेरिका में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। 3 भाषण मैंने ढूंढा और उससे उस समझ जाएंगे कि भारत में क्या चुनौतियां और क्या समाधान है ना, उसमें भविष्यवाणी की बात कर रहे थे। इसमें जो डॉक्टर अंबेडकर 25 नवंबर 1949 के भाषण में जो कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि मैं अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित हूं, मैं अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक आजाद मुल्क बनेगा, आजाद मुल्क बनेगा। फिर उस आज़ादी का क्या होगा? क्या हम एक बार उसको फिर गवा देंगे? अरे भाई एक काम करो पिताजी, आप बात करना है तो बाहर चले, डिस्टर्बेंस हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने गद्दारी की देश के साथ, उसकी वजह से हमने आज़ादी गवाई। कई एग्जाम्पल दे रहे हैं, पंजाब का एग्जाम्पल देख रहे हैं, महाराष्ट्र शिवाजी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तमाम वो एग्जाम्पल्स इस भाषण में दे रहे हैं, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कह रहे हैं कि क्या फिर वैसा हो सकता है? क्योंकि जब अंग्रेज से बहादुर शाह जफर तमाम टीम लड़ रही थी, कुछ लोग अंग्रेजों के साथ थे। शिवाजी जब लड़ रहे थे मुगलों से, तो मुगलों की तरफ से कुछ मराठा और कुछ और लोग भी थे, कुछ और डायनेस्टी के लोग थे। तो कह रहे हैं कि जाति और संप्रदाय में बटा हुआ इस देश है, क्या हम पुनः वो आज़ादी गवा देंगे? कि जातियों और संप्रदाय के रूप में पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी विचार वाले राजनीतिक दलों की भरमार होनी है। इंपॉर्टेंट है। कहते हैं काशीराम जी ने ना जात जात जोड़ के बहुजन समाज और बहुजन पार्टी बनाया, अब जात जात तोड़ के जातियों का नेता बन रहा है। कोई कुशवाहा नेता है, कोई निषाद नेता है, कोई पासवान नेता है, और समाज भी है खुश हो जाता है और देख लेता है कि 6% वोट इसका, 5% वोट उसका, तो बार्गेनिंग पावर हो गया। तो भैया हमको ये सीट दे दो, हमको वो सीट दे दो, हमको ये डेप्टी बना दो, हमको कुछ बना दो। तो वो वही बात कह रहे हैं इसमें कि भरमार होने वाली है। कि मैं नहीं जानता कि ये पार्टियां अपने पार्टी के सिद्धांत को बड़ा मानेंगे या इस देश को बड़ा मानेंगे। ये पार्टी अपने दल के सिद्धांत को बड़ा मानेंगे या देश को बड़ा मानेंगे। यदि उन्होंने अपने पार्टी के सिद्धांत को बड़ा माना तो दोबारा हम आजादी गंवाने के खतरे में आ जाएंगे। आज की गुलामी वो नहीं हुआ कि तोप लेके आएगा आपको गुलाम कर लेगा। आज की गुलामी है कि आपको रेवन चश्मा भी पहनाएगा, बढ़िया कार में भी बैठाएगा, बढ़िया कपड़े भी पहनाएगा, लेकिन डर के मारे बोलना नहीं क्योंकि सब बैंक के कर्जे पे है। इसको हम मॉडर्न गुलाम कहते हैं। देखने में नहीं लगा गुलाम, उसके हाथ पांव में जंजीर उंजीर नहीं रहता है। और खास तौर से मैं प्रोफेसर्स को कहता हूँ, बाकी तो जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं उनका तो एक प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन प्रोफेसर को तो वैचारिक स्वतंत्रता है लिखने पढ़ने बोलने की। अरे वकील लोगों ने जब कोट उतार के राजनीति की तो देश को आज़ाद करा दिया। सारे आज़ादी कराने वाले वकील ज़्यादातर वकील ही थे, अंबेडकर भी थे, गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू, सब तमाम उठा के देखिए। मैं प्रोफेसर्स को ज़्यादा ये बात कहता हूँ कि जब आप प्रोफेसर क्यों बने? मैं बना, मैंने कभी IAS का एग्ज़ाम नहीं दिया, इसलिए बना कि मुझे सवाल करने का शौक़ बचपन से रहा। नए सवाल खड़े करना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो मैं अपने क्लीग से कहता हूं कि अगर प्रोफेसर बन के रिटायर के भात खा के रिटायर ही बन गए करके मर गए तो तुम्हारे प्रोफेसर होने का कोई मतलब नहीं, ना लिखे ना पढ़े ना बोले, कुछ नहीं किए। तो ये बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कह रहे हैं कि संभावना के खिलाफ हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा लड़ने के लिए। और ये वैचारिक लड़ाई है, इसलिए वकील, पत्रकार, एकेडमिशियन, इसकी भूमिका, प्रोफेसर, टीचर्स, इनकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम लोग एक्टिविज्म करते हैं, है ना, एक्टिविज्म करते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि सब कुछ इस ये लाभ के लिए वो लाभ के लिए ये मिल जाएगा। नो, वैचारिक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब आगे कह रहे हैं कि 26 जनवरी 50 को भारत एक जनतांत्रिक देश बनेगा। तो कह रहे हैं कि इस जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा? मैंने पहले कहा ना कि नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, देन डेमोक्रेसी। तो अभी प्रधानमंत्री जी वो 84 एकड़ जमीन में अभी भाषण दे रहे थे, तमिलनाडु वाले, याद है आपको? पता, कच्ची पुटी करके एक जगह है, 84, वो जो लंका को 74 में दे दिया गया था, उसमें भाषण दे रहे हैं कि कि देश की संप्रभुता से समझौता कर लिया गया। 74 इंदिरा जी के जमाने में ही हो गया था, वो सब सेटल हो गया था, क्योंकि लंका भारत सब पहले अंग्रेजों के कंट्रोल में ही था। छोटा सा 84 एकड़ का जो है वो टापू है, कच्ची थीपू या ऐसे कुछ करके नाम है, ठीक है। और वही प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहते हैं कि बांग्लादेश को कितना हजार एकड़ जमीन दी है, 17,000 एकड़। अभी वांगचुक वहां भूख हड़ताल में बैठे थे लद्दाख में, पता होगा। चाइना ने 4,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पर जमीन पे कब्जा कर लिया है। 14 के पहले तो लाल लाख आंख ऐसा भाषण होता था, और ये भी कहते थे कि जब टैक्स सेवन का पैसा वापस लाएंगे। देखिए गाहे बगाहे जो वर्तमान सिस्टम है, देखिए कभी एक बात वकील साहब कह रहे थे कि कभी यहाँ पे घी की नदी नहीं बही है कि हम लोग जाके सब एक समान डुबकी लगाएं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने वो प्रावधान किया था कि जिससे उम्मीद की थी कि जिससे आप बेहतर दशा में आगे बढ़ेंगे। और 10 साल में रिवर्स गियर लगा हुआ है ना। पहले मैंने इंदिरा गांधी जी पे एक वीडियो परसों बनाया है, जाकर देख लीजिए। 1973 में 2 अगस्त 1973 का एक चिट्ठी है जो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि इस देश में हरिजनों पर, आदिवासियों पर और माइनॉरिटीज पर जानबूझ के हमले कराए जा रहे हैं ताकि सरकार हमारी बदनाम हो। इसलिए मुख्यमंत्रियों को एक सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि ऐसी कोई भी घटना हो उसको सख्ती से उसमें एक्शन लिया जाए और इन लोगों के लिए नौकरियां सुरक्षित की जाए। और सुरक्षा अभी बना 3 दिन पहले देखा होगा आप में से किसी ने, 3 दिन पहले बना जी। तो यह सवाल है ना कि वो तो यहाँ डंडे भी पड़ रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते थे, घर पर जाते थे नेता लोग, और अब पिटाई भी लग रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, न थाना में न कचहरी में। सरकार नेता को तो छोड़ ही दी। तो ये हमें भी समझना है कि ऐसी स्थिति क्यों आई, ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमने ज्यादातर लीडर पैदा ही नहीं किए, डीलर सब पैदा कर दिए। नहीं लीडर तो थोड़ा अड़ता है ना, केस करना करो, जेल भेजना भेजो, पीछे नहीं हटूंगा। और डीलर तो डील कर लेता है अंदर से। तो हमारे समाज ने ये मैं अपने ऊपर भी ये बात कह रहा हूं, और जब तक हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठाना ये काफी नहीं। अगर आज जो सिस्टम है कि आपको लग रहा है देश और लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है, तो इसके लिए उन्होंने 90 साल तैयारी की है भाई साहब, 90 साल तैयारी की है। और जमीन में कितने जनरेशन उनको मिले हैं, कितने जनरेशन, तब जाके वो इंडियन रिपब्लिक पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। इंडियन रिपब्लिक में कह रहा हूं, क्योंकि लड़ाई कोट अनकोट हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो कुछ और राष्ट्र है। कहने के लिए आपको भ्रामक फैला देता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मौलवी साहब चले जाएंगे पाकिस्तान में तो सारा जमीन आप ही लोग को बटेगा। खासतौर से हमारे दलित भाई लोगों को रात में सपना आता रहता है कि मौलवी साहब का हवेली में हम ही रहेंगे, और उधर कुछ दलित संगठन कह देंगे हम ब्राह्मण विदेश भेज देंगे, तो वहां लगता है कि मठ मंदिर हमारे कब्जे। अनरियलिस्टिक ड्रीम में मत आइए, बी प्रैग्मेटिक। वैसा ड्रीम्स पालिए कि जिसको हम अचीव कर सकें, जिसको हम प्राप्त कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, जिसका जन्म इस देश में है वो यहीं रहेगा, सब यहीं रहेगा। सवाल ये है कि किन शर्तों पर रहेगा, वो कानून के नज़र में एक होगा या नहीं होगा ये, वो प्रशासन के नज़र में एक होगा या नहीं होगा ये है चुनौती। कानून के नजर में एक हो भी सकते हैं आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रशासन के नजर में एक नहीं है तो कानून के नजर में एक रहना भी बेकार है। ये बात तो आगे कह रहे हैं कि किसी जमाने में भारत में गणराज्यों रिपब्लिक्स की भरमार थी। बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट संघ, ये सब बात कर रहे हैं। 6th century BC की बात कर रहे हैं, 2600 साल पहले, और बाद में जो कई और मालवा योद्धा रिपब्लिक्स बनी उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ ऑलरेडी सब कुछ सिस्टम था, डेमोक्रेटिक सिस्टम था। लेकिन भारत ने ये डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको गवाया, उसको गवाया। और कह रहे हैं कि लंबे समय से, अब वहां से देख लीजिए, मतलब 2500 साल भाई मुस्लिम रूलर्स आए, ठीक है, अंग्रेज आए, तो यहाँ के रूलिंग एलिट उससे समझौता नहीं किया होता तो 672 साल कैसे चलता शासन भाई, कैसे? तो जो भी आए बाहर से इन्वेडर उसके साथ मिल के सांठगांठ करने वाले कुछ और लोग थे, अंग्रेजों से भी किया, मुखबिरी भी किया सीधा। नहीं तो जिनको डाउट है अपना प्रमाण पत्र लेके आए, मैं भी कागज निकालता हूं। तो कह रहे हैं कि चूंकि लंबे समय से यहां रिपब्लिक नहीं था, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं थे, तो भारत जैसे देश को यह फॉर्म नया लग सकता है। कह रहे कुछ नया हो गया भाई। अभी सरकार जो है, वकील साहब लोग बैठे हुए हैं, अभी क्या नया कानून बदला है जो 1861 वाला CRPC और IPC है, तो क्यों बदला है? क्योंकि वो जो है CRPC जो लॉर्ड मैकॉले लेकर आया यहाँ पर, वह एक तरीके से जो परंपरागत यहाँ की व्यवस्था थी, जो परंपरागत ऊंच नीच छुआछात और जात के हिसाब से सजा और जात के हिसाब से मेवा, उस पर एक तरह से पहला सिस्टमैटिक प्रहार था, वो एटम बम था उसके ऊपर। तो इसलिए सारे कुछ बदलने की कोशिश चल रही है। किस्तों में देखिए संविधान, आप अगर समझ रहे हो कि एक दिन घोषणा होगा कि संविधान आज से खत्म कर दिया जा रहा है और आज से आज ये संविधान लागू हो रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि उसके अंदर की आत्मा है वो निकाल दो। अब इलेक्शन कमीशन, CBI, ईडी, इनकम टैक्स कैसे काम कर रहा है देख लीजिए। कि कचहरी में जब वकालत वकील साहब लोग करते हैं तो एक ही वर्ड का कैसे इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, वो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक वकील बोलेगा कि भाई मेरे क्लाइंट ने कहा मारो मत भागो, वर्ड तीन ही है, मारो मत भागो। तो एक तरफ से वकील साहब बोलेंगे मेरे क्लाइंट ने कहा कि मारो मत भागो, दूसरे वकील साहब से उधर से बोला कि नहीं हुजूर ये नहीं बोले थे, ये बोला था मारो मत भागो। व्याख्या बदल गई, बदल गई ना। उसी तरीके से संविधान रहेगा और संविधान के प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे, यही है असली चुनौती। पहले आप कहते थे कि कुछ झगड़ा होता था तो कहते थे चलो कोर्ट में देख लेंगे, अब कोर्ट जाने से भी डरता है लोग। किसी चीज को लंबा अटकाना हो, चाहे उल्टा करवाना हो, तो हम लोग कोर्ट नहीं जाते हैं, हम बहुत सारे पॉलिटिकल बैटल सड़क में लड़े जाते हैं। तो सड़क पर लड़ लीजिए, तो आजकल कोर्ट जाने से भी डरता है लोग। कह रहे बाबा साहब लिखे हुए भाषण है, वही कोट कर रहा हूं कि रेलेवेंट, उसमें सब कुछ समाया हुआ है कि नए सिरे से आया हुआ जनतंत्र, डेमोक्रेसी नए तरीके से आया ना, यूरोपियन लिबरलिज्म से, यूरोपियन डेमोक्रेसी से यहां पे ही आया है ना पूरा। तो कह रहे हैं नए सिरे से आया हुआ जनतंत्र अपना बाहरी रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। बाहर में प्रधानमंत्री जी जाते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ एक पत्रकार से डर जाते हैं, एकेडमिशियन से डर जाते हैं, जेल भेज देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? वो कांग्रेस पार्टी वाला का अकाउंट सीज कर दिया है और अपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पता लगा कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से ही पैसा लिया हुआ है, जितने हेरा फेरी वाले से पैसा लिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि बाहरी रूप बना के रखेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो तानाशाही को जन्म देगा और प्रचंड बहुमत हो तो दूसरे संभावना के पैदा होने का जबरदस्त खतरा है। कुछ मानेगा ही नहीं ना कैसे। प्रचंड बहुमत देख लिया, अब 400 पार कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि यहां पे इस तरह के प्रचंड बहुमत 400 पार वाले नहीं चाहिए हमें। सीधा संविधान सभा बुला के बोले हटाओ सब, अब हो गया बहुत कुछ। वहाँ कुशवाहा जी सेक्रेटरी बने हुए बिहार सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जाके वहाँ बुला के चलिए कुर्सी खाली कीजिए, आपका काम नहीं, चलिए अब तरकारी उगाइए, चलिए हटा देगा वहाँ पे, क्या कर लीजिएगा? बोले यादव जी कहाँ इंजीनियर बने हुए, छोड़िए ये सब इंजीनियर हुए कहाँ बने हुए, चलिए भैंस पालिए उधर। बोले जाटव जी कहाँ इधर आइए, चलिए जूता पॉलिश कर रहा है, काहे के लिए नेता बने फिर रहे हैं। ये संभावना हमें दिख रही, इतिहास का छात्र हूं। एक बार बताइए, अंग्रेजों के साथ विद्रोह कब हुआ? जब इक्वालिटी बिफोर लॉ आया, जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की एक ही क्राइम के लिए पनिशमेंट एक ही समान होगा, तब अंग्रेजों का उस समय उठाकर देख लीजिए। इंग्लिश एजुकेशन आया कि स्कूल में सब पढ़ेगा, तब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो रहा है पूरा। इतना हुआ 672 साल मान लिया कि सल्तनत पीरियड रहा, मुगल पीरियड रहा, तो कहाँ विद्रोह हुआ? नहीं हुआ कि उन्होंने मान लिया, इसलिए कोई विश्वविद्यालय नहीं बने, यहाँ पर कोई विश्वविद्यालय नहीं बना। जिस समय ऑक्सफोर्ड बन रहा था वहां पर, उस समय कोई विश्वविद्यालय नहीं बन रहा था। विश्वविद्यालय का वर्ड आ गया तो कम से कम ये तो मैं आप लोग कही दूं, नेता लोग आएंगे अभी तक डिमांड जरूर रख दी जाए कि बाबू जगजीवन राम विश्वविद्यालय बने। यहाँ पर सासाराम में बाबू जगजीवन राम विश्वविद्यालय बने, नेता लोग अभी आएंगे वोट मांगने, तो ये एजेंडा जरूर सेट कर दीजिएगा अपने लिए, नहीं कि हमको ठेका दे दीजिए और जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करा दीजिए। सामूहिक डिमांड कीजिएगा, उसमें सब सुरक्षित है। पर्सनल डिमांड जैसी की वैसे समझिए बार्गेनिंग शुरू हो गया। बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो संविधान आ गया है। संवैधानिक मार्ग अपनाते हुए, संवैधानिक मार्ग अपनाते हुए आपको अधिकार प्राप्त करने हैं कि जब इस देश में अंग्रेज थे तब वहां पे कई लोगों ने क्रांतिकारी मार्ग अपनाया है ना, सशस्त्र विरोध तमाम ये सब कुछ, लेकिन अब आपके पास संविधान है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्ति पे बहुत बढ़िया, आजकल भक्ति का बहुत चलन है। भक्ति पे आजकल भक्त लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के ही हमको इतिहास पढ़ाने लगता है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल एक बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनको कोट करते हैं डॉक्टर अंबेडकर और कहते हैं कि व्यक्ति भले ही कितना महान हो, भले ही कितना महान हो, लोगों को अपनी स्वतंत्रता उसके चरणों में अर्पित नहीं करनी चाहिए, कितना भी महान हो। कि साथ ही उस पर इतना विश्वास न करें कि वह प्राप्त अधिकार, प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल लोगों की संस्थाओं को ध्वस्त करने में लगे। अभी सुना है सैनिक स्कूल कुछ आरएसएस वालों को दे दिया है, पढ़ा हमने सोशल मीडिया में। अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करने वाले महापुरुषों की कृतज्ञता व्यक्त करना गलत नहीं है। थैंकफुल, यस सर, यू आर माई लीडर, वी आर थैंकफुल टू यू, ये जरूर करना चाहिए। लेकिन इसकी भी एक सीमाएं होती है। यहाँ एक और स्कॉलर को, आयरिश स्कॉलर है डॉनियल ऑकनेल, उनको कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर, स्वाभिमान वर्ड अगर उनको पूरा पढ़िएगा तो स्वाभिमान ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे दर्शन का सारी स्वाभिमान में। अगर स्वाभिमान भी नहीं है तो राष्ट्रपति बन के भी मंदिर के बाहर धकेले जा सकते हैं आप, नहीं राष्ट्रपति बन के भी धकियाए जा सकते हैं, केहुनियाए जा सकते हैं, केहुनी मारा जा सकता है। तो स्वाभिमान इज द सेंट्रल पॉइंट कि स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। कोई महिला अपने शील की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती, और कोई भी देश अपनी आजादी के बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। कि अन्य देशों की तुलना में भारत में सावधानी की ज्यादा जरूरत होगी, अन्य देशों की तुलना में भारत में इसकी ज्यादा जरूरत। देखिए, भारत सम्राट अशोक के जमाने में ही वहां से लेकर वहां तक बना, पूरा कर्नाटक से लेकर साउथ से लेकर अफ्रीका तक। उसके बाद कोई भारत को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो एज ए नेशन, मॉडर्न नेशन, ये तो राजो रजवारों सबका ये रहा ना, आपस में एक दूसरे से लड़ रहा है, कोई उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। तो नेशन उससे बनने की प्रक्रिया में कह रहे हैं कि भारत में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत में भक्ति का मार्ग अथवा विभूति पूजा अन्य किसी की देश की राजनीति की तुलना में अधिक दिखाई देगी। अधिक दिखाई देगी। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है कि राजनीति में ये हर समय तानाशाही की ओर ले जाने का मार्ग होता है। हम भक्तिज्म पढ़ाते हैं ना, विष्णुइज्म, शिविज्म, भक्तिज्म क्या पढ़ाते हैं। तो भक्ति क्या है? अनकंडीशनल डिवोशन टू द गॉड, बगैर किसी तर्क के सरेंडर कर जाना चरणों में। तो अगर अपने नेता के चरणों में भी आप सरेंडर हो रहे हो तो इसका मतलब नेता को आप तानाशाह बना रहे हो, इसलिए नेता से सवाल करते रहना चाहिए। ये 5 साल संसद में क्या क्या बोले भाई, विधानसभा में क्या क्या बोले, बताओ जरा। कौन कौन सा सवाल उठाए क्षेत्र को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, कोई सवाल वाल उठाए हो? नहीं तो 4 गो आगे पीली नीली बत्ती देख के पागल मत हुई, सवाल खड़े करना बेहद जरूरी है। तीसरी चौथी जो बात कह रहे हैं इंपॉर्टेंट, कि पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बात कर रहे हैं कि राजनीतिक अधिकार तो हमें मिल गए, एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, राजा का भी एक वोट और प्रजा का भी एक वोट। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी थ्राइव कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, जब उसके पीछे सोशल डेमोक्रेसी हो, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, बोले तीनों एक दूसरे से गुदा हुआ है। स्वतंत्रता है लेकिन समता है, स्वतंत्रता है समता नहीं है तो उसका कोई मायने नहीं है, समता है बंधुत्व नहीं है, कोई मायने नहीं है। हम अभी एकता स्थल की बात किए ना, समता स्थल से एकता स्थल हो गया। तो जब तक बंधुत्व नहीं है, ब्रदरहुड, तब तक ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जी नहीं सकता। उन्होंने कहा 26 जनवरी 1950 को हम लोग एक द्वंद्व के युग में प्रवेश करेंगे। राजनीतिक समानता तो होगी लेकिन हम लोग विषम रूप से सामाजिक और आर्थिक समाज में भी प्रवेश करेंगे। एक तरफ राजनीतिक समानता और दूसरे तरफ घोर सामाजिक और आर्थिक असमानता, जिसमें कुछ जातियां शीर्ष पे होंगी, कुछ नीचे होंगी, कुछ अमीर होंगे, कुछ अत्यंत गरीब होंगे। बोले इस खाई को जितना जल्दी पाटना है पाट लीजिए, इसको खत्म कीजिए, नहीं तो इससे पीड़ित लोग जो है इस संसदीय पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमने जो बनाया है इसमें सुरंग लगा देंगे। ये मेरे कोट नहीं, अंबेडकर के भाषण। सवाल उठता है कि पहले भी घी की नदी नहीं बन रही थी, बह रही थी, लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट बन रहे थे जिसमें थोड़ा सा हमें होप था कि गरीब आदमी, मेरे दादा दादी मिल्क में मजदूर थे, मिल में मजदूर थे, कलकत्ता में, चटकल में मजदूरी करके मेरे पिताजी को पढ़ाया। तो मेरे पिताजी पढ़ के अब चलिए वो इनकम टैक्स ऑफिस में क्लर्क बन गए। मेरे पिताजी ने 7 भाई बहन को पढ़ाया, दिल्ली में सब पढ़े, उसमें कई बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, प्रोफेसर हैं। एक भाई प्रोफेसर है कि यहाँ पे बड़े पोजीशन पे बिहार सरकार में, एक आध एजेंसी वगैरह चल रहा है, बहन सब भी ठीक जगह प्लेस है। तो क्यों ऐसा हुआ? मैं सब किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा, सारे लोग जीरो पैसा देके फ्री में सरकारी स्कूल में पढ़े, इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़े, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी पढ़े ना। तो जो मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, जो सार्वजनिक संस्थाएं बनी, देखिए यहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आया, यहां कोई कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं हुआ। ये बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोगों में तमाम तरह के डिबेट थे। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते थे, लेकिन लार्जली पढ़े लिखे लोग थे। ये बात समझ बनी कि भारत को अगर एक विकसित मुल्क भविष्य में बनाना है, एक स्ट्रांग रिपब्लिक बनाना है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो फॉर्म है वो बेहद ठीक ठाक रहेगा। तो उसके बाद बाबा साहब ने, उनको लगा कि हमको तो अब संविधान सभा में जाने का मौका नहीं मिलेगा, वो पार्टीशन हो गया, तो उन्होंने एक छोटा सा संविधान बनाया, स्टेट एंड माइनॉरिटी, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को दिया। लेकिन बाद में वो कांग्रेस के समर्थन से ही फिर राज्यसभा में आए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन बने। उन्होंने क्या कहा कि जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां हम प्राइवेट सेक्टर को भी रखेंगे और जहां जहां जरूरत होगी हम लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाएंगे। स्टेट कैपिटलिज्म कहा था उन्होंने कि राज्य खुद उद्योग करेगा। तो आप देखिए होटल, रेल, तमाम बने, जहाज वगैरह सब बने, तो वहां बने तो उसमें जब नौकरी मिली मैनेजर की 100 नौकरी मिली, अब मान लीजिए कि 50% रिजर्वेशन भी हो जाए तो 4-4 लाख रुपए जो तनख्वाह मिल रहा था तो 50% SC, ST, OBC को ही मिलता, 10% सवर्ण जो अभी आरक्षण है उसको भी मिलता और जो जनरल कैटेगरी है सामान्य वर्ग उसको भी मिलता 4-4 लाख। अब वो खत्म कर दिया। आप जाइए 50-50 हजार रुपये पे काम कीजिए, जाइए। हमारे कॉलेज के गेट पर बिहार के ही है सिक्योरिटी स्टाफ, अमित भाई जानते हैं, 12,000-15,000 रुपये। वो भी कोई खाली दलित नहीं है, सब उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें भूमिहार भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं। लाइए हम बोल देते हैं और जाके मेरे बारे में पूछेगा, बताएगा कि आखिर हम किन की लड़ाई लड़ते हैं। उनसे हम सवाल पूछे कि अगर यही नौकरी सरकारी होती तो कितने सैलरी मिलते, 40,000, 50,000, 60,000, और अब ये प्राइवेट है तो कितने मिल रहे हैं, 15,000। 8-12 घंटा नौकरी करो, 8 घंटे का पैसा मिलेगा। मतलब मत देखो, मजा आ गया। मोदी जी ने तो एकदम सबका साथ सबका विकास कर दिया बढ़िया से, तबीयत से। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सार्वजनिक संस्थान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनी, SC कमीशन दिल्ली में बैठा, उसे कोई डरता है क्या? जाके देखिए, OBC कमीशन बनाए हुए, उसको दंतहीन नखहीन सब बना दिया हुआ है, कोई नहीं डरता होता है। मैं तो दिल्ली में ही बैठा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पब्लिक सेक्टर, ये सब का अपने हिसाब से स्वतः ऑटोनोमस तरीके से काम करना ही संविधान को बचाना है। इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर ले, सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से काम कर ले, भावनाओं से फैसले नहीं दे, संविधान को सामने रख के जो लिखा हो उसके हिसाब से फैसले दे। और ये जजमेंट तो कॉमन सेंस का सवाल है ना, कॉमन सेंस है। ये कर ले, इसमें पूरा देश बचेगा पहले। इसलिए मैंने पहले कहा नेशन कोई मानचित्र नहीं, पहले देश बचेगा, तब संविधान बचेगा, तब डेमोक्रेसी बचेगी। तो जो सार्वजनिक संस्थाएं बनी जिसमें हम लोग सब पढ़े लिखे, नौकरी मिली, तमाम सब कुछ हुए, सारे जाति धर्मों को लोगों को अवसर मिला ना। स्कूल में मुझे याद है कि गांव में पढ़ता था मुजफ्फरपुर में, तो हम लोग ब्लॉक में जाते थे, स्कॉलरशिप मिलता था, कोई 10-20-25 रुपया मिलता था। अब तो हाथ में जो है ना स्लेट छीन के प्लेट पकड़ा दिया, बोला खिचड़ी खाओ। अरे खाना ही खिलाना, थोड़ा सम्मान पूर्वक खिलाओ, प्रोफेशनल हायर करो, टीचर को पढ़ाने के काम में लगाओ, खिचड़ी बनाने के काम में मत लगाओ। क्योंकि मैं समझता हूं कि दुनिया के तमाम तानाशाहों को, तमाम रूलिंग एलिट्स को सबसे ज़्यादा जो खतरा और भय होता है वो सिर्फ एक चीज़ से होता है, वो होता है शिक्षा से होता है। क्योंकि शिक्षा तो सिर्फ डिग्री नहीं देता, वो आपका दिमाग भी खुलता है। और जब दिमाग खुलेगा तो आप नए सवाल भी पैदा करोगे, नए सवाल पैदा करोगे, और तानाशाह इन सवालों से डरता है। हम लोग तो बार बार कहे भैया 400 पार आ ही रहा है, इतना पॉपुलर है ये है, तो फिर EVM काहे के लिए, बैलेट से ही ले आओ। EVM किस बात के लिए, बैलेट पेपर से ही ले आओ। तो लब्बो लुआब ये है। मैं विश्वविद्यालय में दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ा हूं, वहां पढ़ा रहा हूं, मैं 30 वर्षों से रह रहा हूं। जो बदतर हालत, विश्वविद्यालय शब्द बनता है विश्व से, और इसका मतलब है कि पूरे दुनिया से तमाम विचारधाराएं आएंगी जाएंगी, विमर्श होगा खुला। वो टेक्निकल कॉलेज नहीं है, इसलिए विश्वविद्यालय नाम, यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है कि विचारधाराएं आएंगी, विमर्श होगा, समाजवाद, वामपंथ, दक्षिण पंथ, तमाम लोग उससे विचार विमर्श करेंगे। आज जाके देखिए विश्वविद्यालय में RSS का खाली वो दिन भर परेड चलता रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन पे किस किस तरह के झंडे लगे हुए हैं। टीचर बोल नहीं सकता है डर के मारे, बैरिकेडिंग कर दिया गया हर जगह, क्लास मतलब हर जगह जंजीर लगा दिया, जंगला लगा दिया। मतलब मैं अगर प्रिंसिपल वाइस चांसलर होता तो मैं कहता कि हम जैसे हम कॉलेज में पढ़े हैं इधर से कूद के उधर चले गए, कोई जंगले वंगले नहीं होते थे, हर जगह लोहा लोहा लोहा, हर जगह किलेबंदी हो रही है। तो जब विश्वविद्यालयों की किलेबंदी हो जाए तो समझ लेना उस पूरे मुल्क की किलेबंदी हो रही है। और वैसे लोगों का न संविधान में कोई आस्था है न कोई विश्वास है। तो इसलिए मैं आपके लोग, कई लोग समझ रहे हो कि मैं अब इलेक्शन का टाइम है ना, तो लोग की नज़र जो है ना रहता है चुनाव पर, ऐसे किसको टिकट मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, चुनाव ना होते रहता है। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये बात हम लोग 5 साल लगातार बोलते हैं, चुनाव के दरमियान भी बोलेंगे और चुनाव के बाद भी बोलेंगे। तो मार्क्सवाद थोड़ा सा हमने भी पढ़ा है, लेसर एनिमी का जो कॉन्सेप्ट है कि जब बड़े बड़े लोग हों तो उसमें जो छोटा जिससे हमको कम खतरा है उसके साथ हम मिलकर काम करेंगे। और मैं समझता हूँ खास तौर से जो वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के समाज, कई लोग हमको बोले कई बार कि मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ, तो हमने बाबा साहब ने रिजाइन किया, 4 कारण बताया, उसमें से एक कारण यह था कि आपने पिछड़ा कमीशन नहीं बनाया। लेकिन जब भी लागू हुआ, सब अगर कांग्रेस के खिलाफ आर्गूमेंट करना हो किसी को तो ये आर्गूमेंट ले लेता है। हमने एक बात बताओ भाई, अर्जुन सिंह थे HRD मिनिस्टर, हम लोग उनसे मिलने जाते थे, हमने VP सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, मंडल 1 नौकरियों में, वो 1.5% रिकमेंडेशन है, वो नौकरियों में लागू किया। आज जब पढ़ोगे नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ोगे नहीं तो कैसे इंजीनियर बनोगे, जब मेडिकल पढ़ोगे नहीं तो कैसे डॉक्टर बनोगे। तो अर्जुन सिंह ने मंडल 2 लाया जिसमें कि एजुकेशन सेक्टर में पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन मिला। मुझे नहीं समझ में आ रहा, हमने RSS बीजेपी वालों से जाकर पूछ लो कि वो कौन सा कमीशन लाया है, तब कॉम्पेरेटिव एनालिसिस ऐसे होता है, तुलनात्मक अध्ययन वैसे होता है। और जैसे समाज और राजनीति की गति जो है ना वो धीमा होता है, 100 साल लगते हैं 1 इंच बढ़ने में, 50 साल लग सकते हैं 1 इंच बढ़ने में। बाबा साहब ने कहा था इसी भाषण में कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं, हजारों जातियों में बटी यह भारत, यह अभी राष्ट्र कैसे हो सकता है, इसलिए इसको खत्म कीजिए। बोले अमेरिका से ज्यादा चुनौती भारत में है, अमेरिका में जब ब्लैक्स पे एट्रोसिटीज हुए, जब स्लेव सिस्टम था, तो उसके पक्ष में लड़ने वाले बहुत सारे व्हाइट लोग भी थे, गोलियां चली वहां पर, है ना, क्लियर कट डिवीजन था ना। बोला यहां पे क्लियर कट डिवीजन नहीं है, यहां पे पता है कि सबके कंधे पे किसी न किसी का लात है, वो जंजीर नहीं देखते इसे रहता है। बोला यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन नहीं है, सब जाति से नीचे एक जाति है, सब जाति के ऊपर एक जाति है। बोला ये सब जल्दी खत्म कीजिए नहीं तो ये नेशन जो है ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। आजकल आप देखिए जातीय अहंकार 10 साल में बढ़ा है कि कम हुआ है, सवाल ये है। पहले लोग अगर एट्रोसिटीज करते थे तो थोड़ा शर्म करता था, शर्म लिहाज होता था, पुलिस प्रशासन एक्टिव होता, नेता के पास पहुंचता था कि देखिए शर्म की बात है। आजकल एट्रोसिटीज करके या मॉब लिंचिंग करके, खास तौर से मुसलमानों की, वीडियो बना के लोग वायरल कर रहे हैं और उसमें गर्व महसूस कर रहे हैं, एक कैसा राष्ट्र बन रहा है, कैसे राष्ट्र बनाने की दिशा में है। और ये सरकार, बीजेपी, RSS के लोग गुजरात में जो बलात्कार, क्या नाम है उसका, हाँ, बानो केस में आरोपियों को लड्डू और माले पहनाए जा रहे थे। मैं चुनौती देता हूं इनको कि इतना हिम्मत है ना तो एक काम करो ना, तेरा मुसलमान को देश से बाहर ही निकाल लो पहले, फिर बात करते हैं, निकाल लो। बाबा साहब ने इसी संविधान सभा में कहा, मैं कई बार कोट कर चुका। एक दिन फारूक अब्दुल्ला साहब सब मेरे साथ मंच पे थे, हमने कहा कि भाई ये अल्पसंख्यक कि अंदर इनसिक्योरिटी नहीं रहना चाहिए और इस जिम्मेदारी बहुसंख्यकों की है। भारत के मुसलमानों ने कभी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना, वो स्वेच्छा से इस मुल्क में रहे, ये उनकी भी उतनी बराबर की धरती है। और ये विस्फोटक शक्ति है, आप उसको ज्यादा परेशान मत कीजिए। मेरे वर्ड्स नहीं, उन्हीं के वर्ड्स। तो यहाँ गाय के मांस पर पता लगा गो मांस वाले से चंदा भी, मोटा माल भी लिया हुआ है एक्सपोर्टर से। गाय का व्यापार करने वाले हिंदू भी बहुत सारे हैं, वैसे लोग हैं जो शाकाहारी हैं अपने जीवन में। नेट पे चेक कर लीजिए, क्यों कि नशा जो धर्म का चढ़ाता है ना, आप हिंदू हैं हिंदू हैं, तो नशा नहीं, ये एक तरह का ही धंधा है। इलेक्शन के समय सब हो जाओगे, और जैसे इलेक्शन खत्म हुआ निकाल डंडा, भाई कौन है कुशवाहा है, कौन है जाट है। देखे ना महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, इलेक्शन के समय हिंदू धर्म की रक्षा करने जा रहे थे। तो यहाँ राम मंदिर बना था, ट्रस्ट में आप लोग गए, घंटा बजाने का मौका मिला कि नहीं मिला? घंटा बजाने का मौका मिला? नहीं मिला। तो अपने बच्चों के भविष्य पे ध्यान दीजिए। अंधविश्वास पाखंड भगाइए, तर्क और ज्ञान को लाइए अंदर, राष्ट्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और लोकशाही भी बचेगा। शुक्रिया, थैंक यू।